Assalamualaikum and hello viewers, welcome to Rukhsar's Food. आज मैं शेयर करूंगी कीवी पुडिंग की रेसिपी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पुडिंग मिक्सचर तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप दूध गर्म होने के लिए रखा है। दूध को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है और जब ये उबाल आने पे आ जाएगी तब हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्सचर ऐड करेंगे। इस वक्त हम इसमें 1/4 कप शक्कर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। दूध में अब उबाल आने ही वाला है तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड कर देंगे। मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को आधी कटोरी दूध के साथ घोल के रखा है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे और जब तक कि बैटर काफ़ी अच्छे से थिक ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। और देखिए लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर ही पुडिंग काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटी हुई कीवी और इसे अच्छे से मिला देंगे इसमें और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जिस कंटेनर में आपको पुडिंग सेट करना हो उसमें आप ग्राइंड किए हुए डाइजेस्टिव बिस्किट्स के लेयर लगा लें सबसे पहले, और इसमें मैंने लगभग 12 से 15 बिस्किट्स का इस्तेमाल किया है। अब एक स्पून से हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और देखिए ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने जो पुडिंग तैयार करके रखा था उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और चारों तरफ इसे अच्छे से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर से हम स्लाइस किए हुए कीवी लगा देंगे। अब इसके टॉप लेयर के लिए हम जेली तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 1 कप पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी जब थोड़ी अच्छे से गर्म हो जाएगी तो हम इसमें 1 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें अगर अगर पाउडर भी मिला देंगे और चुटकी भर हम इसमें येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। आप अपने पसंद की कोई भी फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी कलर का, और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। और देखिए अब अगर अगर पाउडर भी काफ़ी अच्छे से इसमें घुल गई है। अब इसमें हम 1 उबाल आने देंगे, सिर्फ 1 उबाल इसमें हमें आने देना है। और देखिए 1 उबाल इसमें आ चुका है। एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम पुडिंग के ऊपर डाल देंगे। मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, आप इस तरह से इसके चारों तरफ इसे डालकर अच्छे से फैला दें और अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और काफ़ी अच्छे से ठंडी भी हो जाए। 3 घंटे अब हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है और ठंडी भी हो गई है। अब इसे हम कट कर लेंगे। और अब बहुत ही केयरफुली हम इसे इसमें से निकाल लेंगे ताकि ये तीनों लेयर साथ में ही निकल जाए। तो लीजिए इस तरह से हमारी आज की कीवी पुडिंग बनकर तैयार है। आप इसकी लेयर देख सकते हैं, इसके सारे लेयर काफ़ी अच्छे से सेट हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।